इमेजिन कीजिए एक ऐसे शहर को, एक ऐसी मेगासिटी को जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। एक शहर जो एक अजीब, एक अनोखे पैराडॉक्स में फंसा हुआ है। यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो पूरा शहर डूब जाता है। यहाँ की जमीन लोगों के पैरों के नीचे से धीरे धीरे खिसक रही है, बिल्डिंग्स झुक रही हैं, सड़कों में दरारें आ रही हैं, और इस सब की वजह है पानी। यह दास्तान है मेक्सिको सिटी की, एक डूबता हुआ शहर जो प्यासा भी है, लेकिन इस डबल प्रॉब्लम से लड़ने के लिए मेक्सिको ने एक ऐसा जुगाड़, एक ऐसा सोल्यूशन निकाला है जो पूरी दुनिया के लिए एक लेसन है। वो बारिश और बाढ़ के पानी को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा दोस्त बना रहे हैं। कैसे? वो शहर के नीचे एक इनविजिबल, एक अदृश्य बैंक बना रहे हैं। आखिर क्या है इस डूबते शहर का सीक्रेट, और क्या इंडिया के बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली जैसे शहर इससे कुछ सीख सकते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं मेक्सिको के इस सबसे बड़े वाटर क्राइसिस और उसके ब्रिलियंट सोल्यूशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। मेक्सिको सिटी का पैराडॉक्स, जमीन धंस रही है, गला सूख रहा है। तो दोस्तों, इस अनोखी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। मेक्सिको सिटी जहां आज बसा है, वहां सदियों पहले एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी जिसका नाम था लेक टेक्सकोको। शहर को इसी झील को सुखाकर उसकी जमीन पर बसाया गया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शहर की पानी की जरूरत पूरी करने के लिए लोगों ने जमीन के नीचे से, यानी एक्विफर से, अंधाधुंध पानी पंप करना शुरू कर दिया। सोच के देखिए, आप एक बॉटल में से स्ट्रॉ लगाकर सारा पानी खींच लें तो क्या होगा? बॉटल पिचक जाएगी। मेक्सिको सिटी के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। नीचे का एक्विफर खाली होने से शहर के नीचे की मिट्टी कंप्रेस हो रही है, और पूरा शहर हर साल 9 से 12 इंच तक नीचे धंस रहा है। इसे कहते हैं सब्सिडेंस। अब आता है पैराडॉक्स का दूसरा हिस्सा। शहर कंक्रीट का जंगल बन चुका है। सड़कें, बिल्डिंग्स, फुटपाथ, सब कुछ पक्का। जब तेज बारिश होती है तो पानी को जमीन के अंदर जाने की जगह ही नहीं मिलती। ऊपर से शहर के नीचे धंसने से उसका नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम भी खराब हो गया है। नतीजा, भयंकर बाढ़, यानी अर्बन फ्लडिंग। तो सिचुएशन यह है कि बारिश का सारा पानी बर्बाद होकर बाढ़ लाता है, और जमीन के नीचे पानी का लेवल गिरता ही जा रहा है। सोल्यूशन, स्पंज सिटी का जादुई कॉन्सेप्ट। इस डबल एज्ड प्रॉब्लम से निपटने के लिए मेक्सिको के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने एक कमाल का आइडिया अपनाया। उन्होंने कहा, क्या हो अगर हम शहर को ही एक जाइंट स्पंज बना दें, यानी एक ऐसा शहर जो बारिश के पानी को नालियों में बह जाने देने की जगह उसे सोख ले और अपने अंदर स्टोर कर ले। इसी कॉन्सेप्ट पर बना है पार्के हेद्रिकोला केब्राडोरा। यह देखने में एक खूबसूरत पब्लिक पार्क है जहां लोग घूमते हैं, बच्चे खेलते हैं, लेकिन असल में यह एक हाईटेक वाटर हार्वेस्टिंग मशीन है। जब बारिश होती है तो आसपास के इलाके का सारा पानी बहकर इस पार्क में इकट्ठा हो जाता है। यहां पानी को अलग अलग तालाबों और नेचुरल फिल्टर से गुजारा जाता है। इससे पानी साफ होता है, और फिर यह साफ पानी धीरे धीरे जमीन में रिस कर आखिरकार नीचे के एक्विफर को रिचार्ज कर देता है। इससे 3 फायदे हुए। शहर में बाढ़ आनी बंद हो गई। जमीन के नीचे का वाटर लेवल, यानी ग्राउंड वाटर, बढ़ने लगा। शहर के लोगों को घूमने के लिए एक हरा भरा पार्क मिल गया, मेक्सिको सिटी। अब ऐसे कई स्पंज पार्क्स और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। वो सड़कों के किनारे खास तरह के रेन गार्डन्स बना रहे हैं। पार्किंग लॉट्स में ऐसी टाइल्स लगा रहे हैं जिनके बीच से पानी जमीन में जा सके। उनका टारगेट है शहर को कंक्रीट के जंगल से एक जीते जागते स्पंज में बदलना। शहर से आगे एक नदी को जिंदा करने की कहानी, मेक्सिको का। यह रेवोल्यूशन सिर्फ उसकी राजधानी तक सीमित नहीं है। एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है कोलोराडो रिवर डेल्टा का। यह नदी अमेरिका से बहती हुई मेक्सिको में आती है, लेकिन ऊपर इतने डैम बन गए थे कि मेक्सिको तक आते आते नदी बिल्कुल सूख जाती थी। लेकिन 2014 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। डैम से एक साथ बहुत सारा पानी छोड़ा गया ताकि नदी में एक आर्टिफिशियल बाढ़ लाई जा सके। इसका मकसद सूखे पड़े डेल्टा तक पानी पहुंचाना था। इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा फायदा यह हुआ
कि इस पानी का एक बड़ा हिस्सा रास्ते में जमीन में समा गया, जिसने उस पूरे इलाके के क्रिटिकली लो हो चुके एक्वीफर को जबरदस्त तरीके से रिचार्ज कर दिया। इससे न सिर्फ खेती के लिए पानी मिला, बल्कि उस सूखे इलाके में हरियाली और जीवन भी लौट आया। यह इस बात का सबूत है कि अगर इंसान चाहे तो वो नेचर के साथ मिलकर बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। पानी के साथ जंग नहीं, दोस्ती करनी होगी। तो दोस्तों, मेक्सिको सिटी की कहानी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक सिखाती है। पानी से लड़ने की जगह पानी के साथ जीना सीखना होगा। अब तक हम इंसानों ने बारिश के पानी को एक प्रॉब्लम माना है, जिसे जल्द से जल्द नालियों में बहाकर शहर से बाहर करना होता है। लेकिन मेक्सिको हमें दिखा रहा है कि बारिश का पानी एक रिसोर्सेस है, एक खजाना है। हमें उसे बह जाने से रोकना है, उसे आदर से इकट्ठा करना है और उसे वापस धरती माँ की गोद में यानी एक्विफर में सुरक्षित रखना है। यह स्पंज सिटी का आइडिया, ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस सिर्फ मेक्सिको के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस शहर के लिए उम्मीद की एक किरण है जो पानी की समस्या से जूझ रहा है। भारत इससे क्या सीख सकता है? हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव। मेक्सिको सिटी की यह कहानी सुनकर आपको अपने देश के शहरों की याद जरूर आई होगी। हमारा बेंगलुरु, जिसे कभी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता था, आज वहां ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया है कि डे जीरो का खतरा मंडराता रहता है। हमारा चेन्नई, जो हर कुछ साल में पहले सूखे और फिर भयंकर बाढ़ दोनों का सामना करता है। और हमारी अपनी राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का इलाका जैसे गुरुग्राम, वहां भी जमीन धंसने की रिपोर्ट्स आने लगी हैं। हमारी समस्याएं मेक्सिको सिटी से बहुत मिलती जुलती हैं। हम भी एक्विफर से जरूरत से ज्यादा पानी निकाल रहे हैं और हमारे शहर भी कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। तो हम मेक्सिको से क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी सीख है अर्बन प्लानिंग को वाटर मैनेजमेंट के साथ जोड़ना। हम अभी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सिर्फ एक बिल्डिंग या एक घर के लेवल पर सोचते हैं। मेक्सिको ने इसे पूरे शहर, पूरे लैंडस्केप के लेवल पर सोचा है। इमेजिन कीजिए, अगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के हर पब्लिक पार्क, हर प्लेग्राउंड को एक स्पंज पार्क की तरह डिजाइन किया जाए, अगर हमारी सड़कों के डिवाइडर और फुटपाथ सिर्फ कंक्रीट के न होकर पानी सोखने वाले ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए जाएं, इससे हम अपने शहरों को फ्लड प्रूफ भी बना सकते हैं और अपने गिरते ग्राउंड वाटर को भी बचा सकते हैं। हमारे पुरखों की बनाई हुई बावली और तालाब भी तो यही काम करते थे। हमें बस उसी पुरानी विजडम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके शहर में भी ऐसी कोई समस्या है? और क्या हमें इंडिया में स्पंज पार्क्स जैसे आइडियाज को बड़े पैमाने पर अपनाना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान की ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।